हैदराबाद से हूँ मैं। 2002 में दीक्षा ली हूँ बापूजी की। मैं पढ़ाई में एकदम जड़ बुद्धि था, यहाँ तक लोगों ने ये कहा कि मुझे ठेला या पंक्चर वगैरह की दुकान लगा कर दी जाए। बिल्कुल, हमारी हालत ऐसी थी ना कि नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा, कुछ नहीं था हम लोगों के पास। इस दौरान हमारी परिस्थिति ये थी कि एक 5x6 के कमरे में हम रहा करते थे। जब मैं दीक्षा लेने जा रहा था तो मेरे पास कुछ रुपया नहीं था। इस दौरान 2012 में कुछ परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि जैसे सुसाइडल टेंडेंसीज आती हैं। आज वो माला और आसन के बदौलत हम इतनी ऊंचाई पे पहुंचे। जहां मैं 3000 कमाता था आज से 13 साल पहले, आज 30% तो इनकम टैक्स ही जाता है। सरकार से हम यही विनती करते हैं कि बापू हमारे निर्दोष है और जल्दी से जल्दी रिहा करें उन। जी, मेरा नाम विनय कुमार रंगदल है, मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ। मैंने दीक्षा 2002 में ली है और दीक्षा लिए हुए तकरीबन 19-20 साल हो चुके हैं, और सरस्वती मंत्र और गुरु मंत्र की दोनों की दीक्षा ली है मैंने। मेरा अनुभव, मैं पहले BPO सेक्टर में जॉब करता था, अभी IT की तरफ मूव हुआ हूँ, जो कि गुरुदेव की कृपा से ही मुमकिन हुआ है, वरना मेरा तो मेरी पढ़ाई के हिसाब से और मेरी इच्छा के हिसाब से कुछ हो नहीं पाता। जो भी हुआ है गुरु आदेश और गुरु कृपा से ही मुमकिन हुआ है, वरना मेरी काबिलियत इतनी नहीं है मेरे नज़रों में कि मैं इतना आगे बढ़ पाता। जो भी हुआ है दीक्षा की बदौलत ही हुआ है। क्या मतलब परिवर्तन है, पहले कैसा जीवन था, बापू से जुड़े क्या जीवन में परिवर्तन? बापू जी से पहले जुड़ने से पहले हमको है ना बहुत सारा प्रलोभन मिला, जैसे क्रिश्चियन मशीनरीज का हो गया या मुस्लिम कन्वर्जन का हो गया, बहुत सारे प्रलोभन आए। लेकिन उस तूफान के दौरान भी है ना हमें सत्संग सुनाई पड़ता था किसी और के घर के माध्यम से, जैसे कई सोनी चैनल पे बापू जी का 1990s में 2000 के अर्ली बिगनिंग में सत्संग आया करता था सुबह 7:30 बजे, तो हम मेरी माता जी वहाँ पे सुनती थी। इसके बाद मैं 8th स्टैंडर्ड में था, जिस दिन स्कूल में था पता चला कि ऐसा सत्संग का कार्यक्रम आयोजन हुआ है हैदराबाद में, तो वहाँ से मुझे बुलावा है। पहले मेरी माँ ने दीक्षा ली, उसके बाद में मुझे सरस्वती मंत्र की दीक्षा दिलाई। मैं पढ़ाई में एकदम जड़ बुद्धि था, सभी ने उम्मीद छोड़ चुकी थी कि मैं कुछ कर पाऊँगा, यहाँ तक लोगों ने ये कहा कि मुझे ठेला या पंक्चर वगैरह की दुकान लगा कर दी जाए। तो उसके बाद में अब मानिए ना मानिए तो मंत्र का ही प्रभाव है और बापूजी का ही प्रभाव है जो मैं यहाँ पे अभी खड़ा हूँ। जैसे ही सरस्वती मंत्र का दीक्षा वगैरह हुआ, उसके बाद में अहमदाबाद जाना, वहाँ गुरु मंत्र का हुआ। लेकिन इस दौरान हमारी परिस्थिति ये थी कि हमारा खुद का घर रहने के बावजूद हमें एक 5x6 के कमरे में हम रहा करते थे। मेरे परिवार में मेरी माँ जी है और मैं ही हूँ और कोई नहीं है, दादा दादी नाना नानी गुजर चुके हैं। इनके बाद अगर परिवार में कोई है वह साधक परिवार गुरु परिवार, सिवाय बापू जी के और कोई नहीं। इस स्थिति में अनुकूल स्थिति कुछ नहीं थी, जहाँ हमारा ओन घर वगैरह कुछ नहीं था। जैसे ही दीक्षा ली, जैसे ग्रेजुएशन तक कम्प्लीशन किया मैंने, उसके बाद में मुझे शुरुआत की नौकरी 3000 रुपये की लगी, जो नाइट शिफ्ट करता था। वैसे ही करते करते 13 साल मैंने बिताए। इस दौरान 2012 में कुछ परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि जैसे सुसाइडल टेंडेंसीज आती हैं, जो कुछ हम नहीं करना चाहते वो हमारे साथ होता है, ऐसी ही स्थिति थी। तो उस दौरान नारायण साईं जी का आगमन हुआ हैदराबाद आश्रम में। ये बात है दिसंबर, अभी मुझे डेट याद है, 21 दिसंबर 2012 का दिन था, जहां मैं कुटिया के आसपास खड़ा था और साईं जी आए और बताया कि बोले आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है, कायर मत बनो, धैर्य धरियो। मन में मैंने कुछ बताया नहीं, कुछ किया नहीं, बस बापू जी की मेरे मन में चल रहा था और साईं जी ने वहाँ पर बता दिया। मैं बस मेरे आँखों से ना आंसू बहने लगे और मैं सारे लोग जहाँ बैठे थे मैं भी वहाँ जाकर बैठ गया। सब कुछ ना कुछ लेकर आए थे और मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं कुछ दे पाऊँ। सारे लोगों को मैंने फ़ोटो पे सिग्नेचर लेते हुए देखा, मेरा भी आशा हुआ कि ठीक है सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी करूँ। मैं जैसे तैसे करके सबसे बड़ी जो फ़ोटो होती है 4x4 या 5x5 होगा उसका डायमेंशन, वो मैंने ले ली और सेवा में वहाँ पर पहुँचा दी। तो साईं जी ने उस पर यह मैसेज लिखा है कि निराश न होना, हताश न होना, गुरु शक्ति अवश्य ही आगे बढ़ाएगी। मतलब हैदराबाद आश्रम में बापू जी के, मतलब जहाँ स्टॉल में जहाँ फोटो मिलती, सबसे बड़ी फोटो आपने पूज्य बापू जी, मतलब संत आसाराम जी बापू जी,
गुरुदेव की फ़ोटो श्री क्षेत्र मैंने वहाँ से ख़रीदा जो सबसे बड़ा था। फ़ोटो लेने के बाद में मुझे ये एहसास हुआ कि मैं तो रहता हूँ किराए के घर में, और कि हम रहते थे मुस्लिम के घर में, तो थोड़ा सा आपत्तिजनक लोग कमेंट करते हैं, कुछ ना कुछ करते बोलते ही हैं। तो मेरा हुआ कि ठीक है बापूजी, ये फ़ोटो तभी खुलेगी जब हम लोग कुछ कर पाए और हमारा घर बन पाए, जैसा भी हो, चाहे खुद का झोपड़ा ही रहेगा, ये फ़ोटो वहीं खुलेगी कि आपकी स्थापना वहाँ आपके आपके खुद के घर में होनी चाहिए। ये मैंने डिसाइड किया 22 तारीख 23 तारीख के आसपास 2013 में ही मैंने एक ज़मीन ली थी, जो मैंने और मेरी माताजी ने कुछ बापूजी की आज्ञा पालन कर ही ली थी। बोलते हैं बापूजी कर कसर में जीवन बिताओ, तो वैसे ही करके एक ज़मीन ली। ज़मीन के बाद में मुझे आशा नहीं थी कि मैं इतना जल्दी कुछ घर कर पाऊँगा। 21/12/2012 को जो मैंने फ़ोटो को लाकर घर में रखा, उसके बाद में 26/26/2018 को मैंने उस फ़ोटो को ओपन किया। वो दिन था जो हम खुद के घर में गृह प्रवेश किए। तो पहली पूजा बापूजी की हुई, आशा रामायण पाठ, उसके बाद में वास्तु शांति, ये ऐसे आगे बढ़े। मैं पहले कमाता था करीबन 13 साल तक करीब करीब 35 से 40 यही रात की नौकरी करके। मैंने सुना है कि अनुष्ठान करने पे ना कई चमत्कार होते हैं, अनुभव करना चाहता था कि गुरुदेव की आज्ञा हमेशा जैसे पालन करते हैं, सत्संग के साथ सुसंग अगर करते हैं तो उन्नति होती है। मेरे साथ भी वही हुआ है। आज मैं एक सीनियर कंसल्टेंट की पोजीशन पे हूँ। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैं करीब करीब 30% इनकम टैक्स भरता हूँ। जहाँ मैं 3,000 कमाता था आज से 13 साल पहले, आज 30% तो इनकम टैक्स ही जाता है। खुद का मकान हो चुका है। अभी अनुष्ठान में आया हूँ 40 दिन के, कि इच्छा थी कि 40 दिन का अनुष्ठान करूँ। ये मेरी माताजी हैं, ये अभी इनकी हाज़िरी नहीं लगी थी जेल मंदिर और जोधपुर आश्रम में, तो मेरी इच्छा थी कि ये भी आए, हाज़िरी लगाएं बापूजी के द्वार पे। तो आज हम जोधपुर में हैं। अब आगे जो बोलेंगे माताजी, क्या नाम है? हरिओम, मेरा नाम माया रानी खटोकर है, मैं हैदराबाद से हूँ। मैं 2002 में दीक्षा ली हूँ बापूजी की, और जब मैं दीक्षा लेने जा रहा था तो मेरे पास कुछ रुपया नहीं था, सिर्फ बापूजी का सत्संग पेपर में देख के NTR स्टेडियम में पहुँचे हम लोग। तो जब किसी दूसरे ने मुझे पैसे दिए कि आपको दीक्षा लेना है बोले, तो उसने कुछ रुपये दिए। जब मैं बापूजी की माला और आसन तस्वीर खरीदी, आज वो माला और आसन के बदौलत हम इतनी ऊंचाई पे पहुँचे कि हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। बच्चे ने बताया कि कुछ नहीं था, मतलब बिल्कुल हमारी हालत ऐसी थी ना कि नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा, कुछ नहीं था हम लोगों के पास, बिल्कुल 0%। लेकिन गुरुदेव की कृपा, जब से हम अनुभव करना शुरू करें कि इतना बरसा है कि बापू मांगने से पहले ही हमारे दिल में जो होता है वो बराबर हमारे सामने वो परिस्थिति लाके ठहरा कर देती। अगर मैं जब दीक्षा ली थी तो मेरी 525 सैलरी थी, 525 मेरी सैलरी थी दीक्षा से पहले। जब बापू जी की दीक्षा ली तो तब बाद में 725 हो गई, फिर 925 हो गई, 1125 हो गई। वो 25 का आंकड़ा किधर हटा नहीं उन लोगों की तरफ से, बोले ये लोग को प्राइवेट है, इन लोगों को गवर्नमेंट जॉब नहीं है, इनको परमानेंट नहीं करना। तो बापूजी से प्रार्थना करी, बापू देखो आप ही करो, ये तो निकालने की चक्कर में और मुझे परमानेंट करते, आपकी मर्ज़ी है तो मैं काम करूँगी, नहीं मर्ज़ी है तो घर में बैठूँगी। तो किसी के ज़रिए बापू बुलवा दिए कि इसको परमानेंट करना है। सबसे पहले मेरा ही पर्ची सामने रखे माया रानी को परमानेंट कर दिया जाए। 1125 से आज मैं 25,000 सैलरी कमा रही। मेरा प्राइवेट ऑफिस है, मेरा कुछ ज़्यादा अमाउंट नहीं है, बस हम 1125 में भी खुश थे, 500 में भी खुश है। अब बापू 25,000 दे रहे तब भी मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई पैसे की गरज नहीं है, लेकिन बापू का सानिध्य हमारे को बार बार मिलते रहे, हमारे को बापू का साथ हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे। साधक परिवार ही हमारा परिवार है, गुरु जी से ही हमारा नाता है। जो बापू पे आरोप लग रहे, बापू जेल में, क्या कहोगे उसके विषय? ये सब लोगों की मंद बुद्धि हो गई है, तो इन लोगों का बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। पहले तो जब मानते थे, सालों से आते हो, कभी कुछ देखा क्या? कुछ नहीं, नहीं 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 नहीं,
अभी तक तो हमारे आँख में दिखा भी नहीं और दिखेगा भी नहीं, हमारा विश्वास है बापू। ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, क्योंकि मैंने स्कूलिंग, मैंने मेरा इंटर ग्रेजुएशन जहाँ जहाँ टूर होता था वहाँ बिताए है, सत्संग जहाँ जहाँ गया वहाँ गया हूँ, मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है। और मुझे पता है ये सब है ना, जैसे ही बापू ने बीड़ा उठाया है कि भारत को विश्वगुरु बनाया, सनातन धर्म की रक्षा के लिए बापू जी इतनी सब कुछ करते हैं, यानी दरिद्र नारायण के लिए आदिवासी इलाकों में ना भंडारे कराते हैं, जैसे कन्वर्जन्स हो रहे हैं अभी उसके खिलाफ है, यही बस सभी लोगों के ना नाक में पानी चढ़ चुका है, दम हो गया, इसीलिए ये सब हो रहा है। क्या कहना चाहोगे सरकार से, न्यायपालिका से क्या मांगते हैं? सरकार से हम यही विनती करते हैं कि बापू हमारे निर्दोष है और जल्दी से जल्दी रिहा करें। बापू फिर से भक्तों के में आएंगे। बापू जी अंदर गए ही नहीं है, वह यहाँ है, आप में है, हम में है, सदा मार्गदर्शन मिलता है और बापूजी आएंगे। आज भी फोटो लगी है घर पर, सारे रिश्तेदारों ने कह दिया कि बापूजी है ना ये ऐसे इंजाम में अंदर है, इनका फ़ोटो हटा दो। मैं बोला, मैंने यही कहा, मरेंगे कटेंगे तभी भी फ़ोटो नहीं हटेगी, आपको अगर रिश्ता रखना है हमसे रखिए, वरना हमारे गले में भी तो गुरुजी है, वरना कहाँ से हटाओगे? नहीं हटाएंगे। और ये सबसे बड़ा इनका अनुभव है, मतलब कि घर का खुद का घर नहीं था और फोटो लेकर आए थे हैदराबाद से, और नारायण साईं जी ने उसमें साइन किए थे और कुछ लिखा भी था, निराशा क्या लिखा? निराशा हताशा छोड़कर गुरु शक्ति अवश्य ही आगे बढ़ाएगी। तब से उन्नति हो गई, मतलब फोटो घर पर लेकर गए, जब से फोटो लाए हैं और पादुका औरंगाबाद से लेकर आए थे तब से बस, और जो जो बापू जी नियम बताते हैं नियम का पालन करते हैं, कभी त्रुटि होती है तो माफ़ी मांगते हैं, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। आज खुद का घर है, मतलब अच्छे से जीवन जी रहे हैं। और इनका यही कहना है कि सालों से हम बापू के आश्रम में आ रहे हैं, सालों से संत आसाराम जी बापू से जुड़े हैं, जो भी आरोप लग रहे हैं आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। और इनकी सरकार से एक ही मांग है कि जल्द से जल्द संत आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, संत आसाराम जी बापू आश्रम जोधपुर से।